हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर, और उसमें भी हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 2.5, जो कि सबसे ज़्यादा पूछने वाली, मतलब जिसमें से जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं ना पॉलिनोमियल्स के अंदर, वो सारी आइडेंटिटी इसी एक्सरसाइज के अंदर आ जाती हैं, जो कि टोटल 8 हैं। अगर हम उसे और बनाना चाहें तो 8 से 9-10 आइडेंटिटी बन जाती हैं। उनमें से जितनी भी आइडेंटिटी हमारे यहाँ लगेंगी इस एक्सरसाइज में, वो सारी आइडेंटिटीज आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है यूज़ अ सूटेबल आइडेंटिटी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट निकालना है और हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखिए, प्रोडक्ट हमने ऐसे भी सीखा हुआ है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, पर हमें यूज़ क्या करना है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका हम आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x + 4 x + 10 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी याद करो। इसकी आइडेंटिटी क्या थी? इसकी आइडेंटिटी थी कि x + a x + b इज इक्वल टू x² + a + b x + ab। ये हमारी आइडेंटिटी है और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ x और यहाँ x था, तो जो यहाँ वाला होगा वो a है, यहाँ वाला b है। उसी तरीके से ये और ये x है, तो यहाँ वाला a होगा, यहाँ वाला b होगा। तो क्या लिखेंगे? x² + a + b, यानी 4 + 10 x + 10 क्या हो जाएगा? 4 × 10। आंसर क्या बन गया? ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है बीच में, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे अपने टीचर को ये दिखाने के लिए कि मुझे आइडेंटिटी पता है, ये चीज़ आप ज़रूर करोगे। ठीक है, जहाँ लगाया है उसके सामने लिखोगे। ठीक है ना, आगे क्या आ जाएगा? x² + 14x + 40, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है x + 8 x - 10 = अब आप देखिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है? देखिए, यहाँ पे बी आपका क्या था? पॉजिटिव, बट यहाँ पर बी क्या है? नेगेटिव। हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, देखिए x² + क्या लिखोगे? 8 प्लस में -10, भाई -10 साथ में आएगा ना, -10 x + 8 × -10। क्लियर? अब देखिए इसका आंसर बनेगा x² + देखिए ये जो है 8 प्लस का है 10 माइनस का है। तो जब हमारी कोई वैल्यू बड़ी वाली माइनस की होती है, छोटी वाली प्लस की होती है, तो बड़े वाले का साइन आता है एडिशन के सब्ट्रैक्शन के बाद, यानी 2 आएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो -2 यहाँ हो जाएगा आपका, -2x और माइनस का 80, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 3x + 4 और 3x - 5 = तो जैसे हमारा, देखिए टर्म यही बन रही है ना, इसी तरीके का फॉर्म क्वेश्चन बन रहा है, पर इसमें एक चीज़ है, वो क्या है कि x की जगह पे 3x है। तो कोई बात नहीं, x की जगह पे 3x है, तो यहाँ पे जो x लिखा था उस x की जगह पे 3x लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा? a + b कितना है? तो 4 + -5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x, क्योंकि यहाँ x आया ना, तो यहाँ x क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे x था। यहाँ 3x आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x है यहाँ के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद में आ जाएगा आपका 4 × -5, क्या बन गया? 9x² + यह आपका -3x आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -3x - 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो नज़र आ रहा है y² + 3x / 2, अगले क्या है? y² - 3/2। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली और इस चैप्टर में भी बहुत बार यूज़ होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x + a, या मैं बोल दूँ इसको x + y और x - y। ठीक है, x + y x - y मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² - y², क्या हो जाएगा? x² - y², यानी x + y x - y, तो क्या आएगा? x² - y² तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो, x की जगह पे ये पूरी टर्म है और y की जगह पे ये पूरी टर्म है, तो ये सेम बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x था तो x² हुआ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है y², तो y² का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3/2,
और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, वाई फोर माइनस नाइन अपॉन में फोर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और पार्ट रह गया हमारा इस पार्ट का, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी अगर हम देखें, इसमें अगर इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे हो रहा था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये भी क्या हो रहा है, ये पहले x माइनस वाई हो रहा है, x प्लस वाई हो रहा है। अब जैसे ये आइडेंटिटी है, इसमें मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या होगा, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगी यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार और। जैसे मान लीजिए एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है, तो भी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ये दोनों नंबर हैं वो आगे पीछे कैसे लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका था क्वेश्चन नंबर वन। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पर।